ऐसे प्रेम का होना कैसे संभव है, या कैसे पहचानूं कि हाँ ये जो प्रेम है वो प्रेम है, मतलब कैसे मुझे पता चलेगा ये सब चीज़ें? तुम पहचानो ही मत, तुम पहचानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और वो कहो मत जो मैंने कहा नहीं। मैंने नहीं कहा कि दो आत्माएं मिलती हैं। आत्माएं कोई दो नहीं होती, शरीर 2, 10, 5 हो सकते हैं, आत्मा मात्र आत्मा होती है। वो एक भी नहीं होती तो दो कैसे होगी। मैंने ये कहा था कि जब गले मिल रहे हो तो ये देख लेना कि उसके पीछे तुम्हारा अपना गणित तो नहीं बैठा हुआ। दो छोटे बच्चे भी होते हैं, वो भी गले मिल जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि सामने वाले से कितना पैसा मिल जाएगा गले मिल के, और वो ये भी नहीं कहते हैं कि अभी गले मिले हैं तो अगले घंटे फिर मिलना है, या कि आज मिल लिए तो अब जन्म भर का हो गया। आत्मा से आत्मा का मिलन कुछ नहीं होता है, दो आत्माएं नहीं हैं, और आत्मा से बाहर भी कुछ नहीं है। आत्मा किससे जा करके मिलेगी? आत्मा मतलब एक अविभाज्य सत्य, उसका कोई खंड नहीं हो सकता। वो किसी और के पास कैसे जाएगा? तुमने कहा कि कैसे पता करें कि हमारा प्रेम कैसा है। जब भी तुम पता करोगे, अपने पैमानों पर ही तो तोलोगे कि कैसा है। और जहां तुमने तोल दिया अपने पैमानों पर, जहां तुमने उसको नाप लिया, तहां समझना कि तुम घुस गए बीच में। प्रेम वही असली जिसके बारे में तुम्हें पता ही ना हो कि क्यों है और कैसा है। प्रेम परवल खरीदने जैसा थोड़ी है कि क्या है और कैसा है और कितने रुपए किलो है नाप लिया। प्रेम असली तभी है जब तुम्हें भौचक्का रखे, तुम्हें विस्मित रखे कि ये आ कहां से गया। क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो तुम्हारे नाप तौल पे सही बैठता हो। जो तुम्हें डराता था वो तुम करने लग गए प्रेम में। अब भौचक्के रहोगे कि नहीं कि ये आ कहां से गया। जो तुम्हें कभी सुहाता नहीं था वैसे तुम हो गए प्रेम में। अब विस्मित होगे कि नहीं। जो तुम कभी कहते नहीं थे वो कहने लग गए। जैसा तुम गाजते नहीं थे वैसा गाने लग गए, जहां तुम नाचते नहीं थे वहां नाचने लग गए। अब अद्भुत लगेगा कि नहीं। प्रेम तुम्हें पगला ना दे तो प्रेम कहां। प्रेम में तुम वैसे ही रह जाओ जैसे थे तो प्रेम कहां। प्रेम वही है जो तुम्हें तुमसे बाहर झकझोर के खड़ा कर दे, जिसके बारे में सोचो तो सोचते ना बने, और ज्यादा सोचो तो कांप जाओ, तो सोचना ही बंद कर दो कि सोचने की बात ही नहीं। प्रेम वही है जिसका ना कोई इतिहास ना कोई भविष्य। प्रेम वही जिसके कारण का पता ही ना लगे कि ये बीमारी लग कहां से गई। और संतों ने अक्सर जब प्रेम को गाया है तो उसे रोग ही कह के गाया है, और ऐसा रोग जो अब ठीक होने का नहीं, लग गया। एक आखिरी सी बात हो गई है, अब हम जानते हैं छूटेगा नहीं, और यह भी नहीं जानते हैं कि कहां को लेकर के जाएगा। कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं और मुस्कुरा रहे हैं। यह प्रेम है। कल का क्या पता होगा, हमें आज की ही खबर नहीं है, और फिर भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सब कुछ लुटा जा रहा है तब भी लगता है कि बहुत कुछ मिला हुआ है। यह प्रेम है। उसमें तुम कैसे नाप तोल कर लोगे, उसमें तुम कैसे पहचान कर लोगे कि ये सही वाला प्रेम है कि गलत वाला प्रेम है? तुमने कहा गलत वाला है तब तो बिल्कुल ही गलत वाला है। तुमने ये भी कह दिया अगर कि सही वाला है तो यही सिद्ध होता है कि गलत वाला है। प्रेम तो प्रेम ही तब है जब उसके बारे में तुम अवाक रह जाओ, मूक रह जाओ, कुछ कह ही ना पाओ। कुछ कह दिया तो गंदा कर दिया। कोई पूछे तुमसे क्यों कर रहे हो ऐसा, जिधर को जान दिए दे रहे हो, जिधर को प्राण दिए दे रहे हो, जिधर अपना प्रेम बहाए दे रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? और तुम बेवकूफ की तरह ठगे ठगे खड़े रह जाओ, कुछ कह ही ना पाओ, तब जानो कि प्रेम है। अगर तुम्हारे पास बड़े संतुलित, सधे हुए, सुविचारित, सुशिक्षित उत्तर हैं तो जानना कि ये कि मन की कोई नापतोल करी है और कुछ नहीं किया है, प्यार नहीं किया है, व्यापार ज्यादा है। बड़ी
मूर्खता का प्रदर्शन है प्रेम। मूर्खता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मन तो चालाकियों में जीता है, मन तो अपने आप को ही होशियार समझता है, और प्रेम मन को मन से दूर खींचता है, प्रेम मन के तयशुदा ढर्रे तोड़ता है, प्रेम मन को आत्मा में डुबो देता है। तो मन की चालाकियां पीछे छूटती हैं, जब पीछे छूटती हैं तो यह कहना कुछ बुरा ना हो गया कि प्रेम बेवकूफी का काम है, क्योंकि चालाकी नहीं होती उसमें, तुम भोंदू से नजर आते हो और दुनिया की नजरों में तो तुम बड़े हारे हुए जीव हो जाते हो, किनको देखो ये आशिक हैं। और आशिकी से मतलब यही नहीं है कि लैला मजनू का जोड़ा बने, जीवन में तुमने जान लिया कि क्या करने योग्य है और तुमने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया उसको, ये प्रेम है। प्रेम व्यक्ति परक हो ये कोई आवश्यक नहीं होता, वो भी किसी विपरीत लिंगी से हो ये तो बिल्कुल ही आवश्यक नहीं होता। तुमने अपना जीवन समर्पित कर दिया है कि बचाऊंगा जानवरों को, है प्रेम, पूरा प्रेम है। तुमने अपना जीवन किसी भी लक्ष्य को समर्पित नहीं किया है, तुम बस ये कहते हो कि जैसे भी जीऊंगा जहां भी जीऊंगा हिंसा में नहीं जीऊंगा, ये भी प्रेम है। पर प्रेम जब भी आएगा अपने साथ बड़ी सरलता की खुशबू लेके आएगा, तुम्हारी आंखों में जैसे जानवरों की आंखों में देखा है एक निर्दोषता होती है, या बच्चों की आंखों में वैसा भोलापन रहेगा। प्रेम तुमको बड़ा खोल देता है, उघाड़ देता है, वल्नरेबल बना देता है, तुम ऐसे हो जाते हो कि कोई तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, और मजेदार बात यह है कि अब चोट तुम्हें लगती नहीं। ऐसे हो ही तभी पाओगे कि कोई चोट पहुंचा दे जब चोट लगने से बेखबर हो जाओगे। चोट लगी होगी, खून रिस रहा होगा, तुम उससे बेखबर रहोगे, तुम्हारे मन में तो कुछ और ही गूंज रहा है, तुम्हें कुछ और ही दिख रहा है, खून वगैरह तुम देखते कहां हो अब। प्रेम ऐसा है जिसकी सिर्फ बात ही मदहोश कर दे तो उसकी जात क्या पूछे अब। जो सुनने में ही इतना कर्णप्रिय हो वो जीने में कैसा होगा। सो होता है प्रेम। प्रेम में अगर बेवकूफ नहीं बने तुम तो तुमने कुछ जाना नहीं। ये जो बुद्धिमत्ता से भरी शक्लें हैं, ये जो ज्ञान से भरी आंखें हैं, ये जो चतुराई से भरा माथा है, ये सब गायब हो जाना है। सड़कों की खाक छानता है आदमी और जानते बूझते उल्लू बनता है। उल्लू वैसे रात का प्राणी है और कहा जाता है कि बहुत बोधपूर्ण होता है। प्रेम क्या है ये तो नहीं बता पाऊंगा, बताया जा सकता नहीं, पर जब तुम्हें ये लगे कि तुम जान गए हो तब ये जान जाना कि तुमने प्रेम खो दिया है। जानकारी खूब मिल गई है, प्रेम खो दिया है। ये भी यदि कहते हो कि किसी व्यक्ति से प्रेम में हो और उसका चेहरा बड़ा परिचित सा लगे तो जान लेना कि कुछ जानते नहीं। प्रीतमा का चेहरा भी अगर तुमको रोज नया नहीं लग रहा तो प्रेम नहीं जाना तुमने। अगर वही पुराना चेहरा उबा हुआ और बासी तुम्हें दिखाई पड़ता है
ठगे रह जाने का जो भाव है, अवाक, ये क्या है? क्योंकि वो बात ही अज्ञेय की है। अज्ञेय का अर्थ मतलब जिसे तुम नहीं जानते। जब नहीं जानते, नहीं जान सकते, तो उसका पुराने से मेल कैसे होगा? तुम कैसे कहोगे अरे ये तो वही है कल वाली? ये क्या नई चीज आ गई? वास्तव में अस्तित्व तो नया हमेशा ही होता है, पुराना कुछ होता भी नहीं। हम जान इतना ज्यादा जान जाते हैं कि हमें सब पुराना लगने लगता है। हमें लगता है पता है ये वही तो है कल वाली चीज। प्रेम का मतलब है ज्ञान की सीमा को जान लेना। और ज्ञान से आगे कुछ है उसकी तरफ अपने आप को बढ़ने की अनुमति देना। और वही मित्रता है। ये सब बड़े गैर जरूरी और सामाजिक विभाजन हैं कि आप शिक्षा को और मित्रता को और प्रेम को अलग अलग कमरों में रख दो। जो मित्र नहीं है वो गुरु नहीं हो सकता, जो गुरु नहीं है वो प्रेमी नहीं हो सकता, जो प्रेमी नहीं है वो हितैषी नहीं हो सकता। ये सब एक हैं, इनको अलग अलग शब्दों में मत बांध लेना, इनको अलग अलग बिल्कुल मत समझ लेना। तुमने किसी ऐसे को अपना प्रेमी बना रखा है जो तुम्हारा गुरु होने के काबिल नहीं, तो समझ लो कि गड़बड़ा गया मामला। और तुमने किसी ऐसे को अपना मित्र बना रखा है जिससे तुम प्रेम ना कर पाओ, तो समझ लेना वो मित्र होने के काबिल नहीं। पर इसमें गुरूर है कि वो काबिल नहीं। बेहतर होगा कि तुम कहो कि तुम्हारी मित्रता इस काबिल नहीं। तुम्हारी मित्रता यानी कि तुम तुमसे कहीं खोट हो रही है।